हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट के दूसरे क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और पिछले क्लास में हमने 7 रूल्स को देखे थे, समझे थे, और आज दूसरे क्लास में हम 8वें रूल को इट मीन्स 8वें रूल से समझने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन से रूल्स हैं जिनका प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में किया जा सकता है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के में किया जा सकता है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये रूल है, यदि दो प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों और वाक्य के सब्जेक्ट हों तो उनके लिए प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगर दो प्रोनाउन जैसे एंड से जुड़ा हुआ हो और वो वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वो प्लुरल हो जाता है और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, यू एंड आई, इसमें एक और रूल है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है आपको कि यू के बाद आई क्यों आएगा, आई पहले क्यों नहीं आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो है, यू एंड आई आर विलिंग टू हेल्प हर, यानी कि उसकी मदद करने की इच्छा हो रही है हमारी और आपकी, या मेरी और तुम्हारी और मेरी। तो इसमें जो है कि यहाँ यू और आई दिया हुआ है, पहले यू है सेकंड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। ये ऑर्डर जो है, ये क्रम ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों का प्रयोग करना हो और सेंटेंस पॉजिटिव चीज को बता रहा हो, यानी कि ऐसी चीज बता रहा हो जो जो कि रॉन्ग नहीं है, वो ठीक है, वो एक तरह से कहा जा सकता है कि अच्छा कार्य है, तो उसके लिए हम 2 3 1 ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। यानी कि 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। अगर इसमें देख देख सकते हैं, इसमें दो पर्सन, एक सेकेंड पर्सन एक फर्स्ट पर्सन है, और मदद करना तो अच्छा काम है, तो पहले क्या होगा, सेकेंड पर्सन होगा फिर फर्स्ट पर्सन होगा। अगर थर्ड पर्सन होता है तो पहले थर्ड पर्सन तब सेकेंड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन होता है। अगर काम जो है वो खराब है, अगर कोई सीन है, निपाप का कार्य है, या फिर कोई गलती है या चोरी है, ये मतलब कि जो खराब काम है, उस सेंस में अगर तीनों पर्सन आते हैं तो क्रम 1 2 3 होता है। इसके साथ साथ और एक समझ लीजिएगा चीज़ कि अगर प्लुरल होता है, अगर तीनों पर्सन प्लुरल हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन यू तो है ही प्लुरल, और थर्ड पर्सन में दे, अगर इस प्रकार का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का प्लुरल सेंस में आता है अगर प्रोनाउन, तो वो 1 2 3 क्रम होगा। अगर खराब सेंस देता है तो 1 2 3 क्रम होगा, अगर अच्छा सेंस देता है तो 3 2 1 क्रम होगा। इसको ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे, हो सकता है कि आगे आने वाले रूल्स में ये हो, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको कोई समस्या यहाँ नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ यू है और आई है, तो दो मिला यहाँ प्रोनाउन एंड से जुड़ा, तो क्या हो जाएगा, वर्ब यहाँ आर रहेगा, क्योंकि आर प्लुरल वर्ब है। यहाँ देखिए यू एंड ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू एंड ही हैव ओन द मैच। यहाँ भी देखना ये होगा आपको कि 2 3 1 होता है, तो 2 3 1 होता है तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पहले है उसके बाद से 3 उसके बाद में है, और अच्छा कार्य है ये मैच जीतना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लुरल वर्ब लगेगा क्योंकि दो जो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से तीसरा भी एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल्स को देखेंगे। ये है, यदि एक नाउन तथा एक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, एक नाउन और एक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तथा वाक्य के सब्जेक्ट हों तो उनके लिए प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। यदि एक नाउन हो, एक प्रोनाउन हो, और एक नाउन हो और एक प्रोनाउन हो, दोनों को एंड से जुड़ा गया हो और ये काम कर रहे हों वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, तो ध्यान रखिएगा कि इनके साथ प्लुरल वर्ब लगता है। जैसा कि यहाँ देखिए, यू क्या है, प्रोनाउन है, और मोहन नाउन है, यहाँ पर प्लुरल वर्ब लगा हुआ है। मोहिंदर नाउन है और आई प्रोनाउन है, तो यहाँ भी क्या लगा हुआ है, प्लुरल वर्ब लगा हुआ है। इसी प्रकार से ही और हिज फादर फादर नाउन है और ही प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हैव प्लुरल वर्ब लगा हुआ है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, 10 नंबर जो रूल है, यदि ईच किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैंने ऊपर भी बताया है कि ईच से कोई नाउन भी जुड़ा हो, चाहे ईच अकेले हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल में, यहाँ नोज सिंगुलर है और यहाँ हैज सिंगुलर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर
रूल पर इच के पहले यदि कोई प्लुरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो, इच के पहले कोई प्लुरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो तो इच को प्लुरल माना जाता है तथा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसे कहने का अर्थ ये हुआ कि इच का प्रयोग हो रहा था तो कब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा था, उस वक्त हो रहा था जब इच का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो रहा था, ध्यान रखिएगा, या इच का प्रयोग अकेला हो रहा था। अगर प्लुरल सब्जेक्ट के बाद इच का प्रयोग होता है तो इच को भी प्लुरल मान लिया जाता है और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये देखिए प्लुरल सब्जेक्ट के बाद हुआ है इच, यहाँ पीपल के बाद हुआ है इच, तो यहाँ भी हैव लगेगा। आगे बढ़ते हैं और भी देखिए, यहाँ एप्टीट्यूड का या करंट इंग्लिश यूजेज का पेज नंबर 88 में ये दिया हुआ है रेफरेंस, इसे भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आइदर या नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि आइदर और नाइदर का प्रयोग हो सब्जेक्ट के रूप में तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर देर आर टू प्रपोजल्स एंड आइदर, आइदर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इज हो गया सिंगुलर वर्ब। देर आर टू कार्स हियर बट नाइदर है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इज हो गया यानी सिंगुलर वर्ब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन भी प्लुरल होगा और नाउन भी प्लुरल होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो वो आपको ऑब्जेक्टिव केस में होगा और नाउन होगा तो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है, एक ही प्रकार का होता है। जैसे राम का ऑब्जेक्टिव रामी होगा और सब्जेक्टिव रामी होगा, लेकिन प्रोनाउन अगर होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव किस लगेगा और वो किस में होगा, प्लुरल में होगा। किंतु वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है, ध्यान देना है। जैसे इच ऑफ दिज फाइव चेन्स, ऑफ के बाद यहाँ फाइव चेन्स आया है, प्लुरल है नाउन, लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि ध्यान रखना ये है आपको कि ऑफ जो है प्रीपोजिशन होता है, देखिए सारे जो ऑफ हैं ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इसलिए ऑफ के पहले आने वाले, ऑफ के पहले आने वाले शब्द को हम सब्जेक्ट मानते हैं और वो अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, अगर वो प्लुरल होता है तो वर्ब प्लुरल होता है। तो हम इच को आइदर नाइदर को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो इसके अनुसार वर्ब क्या हो जाएगा, इन सब में सिंगुलर होगा। देखिए जैसे ही सिंगुलर है, वांट सिंगुलर है सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है और नो इज सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं अगले रूल पर। इच इवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तथा सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे मान लीजिए कि इच का प्रयोग हुआ है, इच ऑफ नहीं आया, आइदर ऑफ नहीं आया, तो डायरेक्ट जब कोई नाउन आएगा तो वो काउंटेबल नाउन होगा और वो सिंगुलर होगा, प्लुरल नहीं होगा। जैसे इच हैंड हो गया, यहाँ इच इवरी रूल हो गया है ना, इधर सिंगुलर हो गया, नाइदर रोड हो गया, ये सब के सब सिंगुलर हैं और वर्ब इनके साथ देख लीजिए आप सिंगुलर लगा हुआ है। इसे एक बार पढ़ लें, इन सारे एग्जांपल्स को आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यदि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग, ये सब के सब क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, का प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं और इनके बाद यदि किसी वर्ब, कोई वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर वर्ब भी होगा, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। एवरीबॉडी के साथ इज लगा है, समबडी के साथ हैज लगा है, नोबडी के साथ नोज लगा है, ये जो इज हैज है, नोज है, वाज है, इज हैज है, ये सभी के सभी सिंगुलर हैं और इनके साथ प्रयोग हुए हैं, क्योंकि ये जो जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी प्रोनाउन है, ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर होते हैं। एग्जांपल को देखेंगे आप, चलिए अगला रूल देखते हैं। ए लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए अगर ए लार्ज नंबर ऑफ है, ए ग्रेट डील ऑफ है, ए गुड डील ऑफ है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं आप, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्मगल डायमंड, तो यहाँ वाज हो जाएगा क्योंकि ये अमाउंट का प्रयोग किया गया है, तो अमाउंट किस में होता है, अनकाउंटेबल में ही होता है। ए ग्रेट डील ऑफ करेज, करेज की बात कर रहे थे, ये भी अनकाउंटेबल है तो इसलिए इज लगा। ए गुड डील ऑफ मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है इसलिए इज लगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर दिया भी है, माइकल स्वान का रेफरेंस दिया गया है कि माइकल स्वान का जो बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज में, ये मेरे पास बुक भी है, इसमें मैंने देखा भी है, दिया हुआ है पेज नंबर 319 में, कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ और ग्रेट डील ऑफ का प्रयोग जनरली
अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, और जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अगला रूल देखते हैं 17 नंबर, द अमाउंट ऑफ के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन का तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, द अमाउंट ऑफ के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है, इसका जो एग्जाम्पल है द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाई देम इज, यहाँ पर इज लगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या है अमाउंट ऑफ है, और अनकाउंटेबल यहाँ पर इसके साथ नाउन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। 18 नंबर देखते हैं, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए नंबर ऑफ है, ए लार्ज नंबर ऑफ है, ए ग्रेट नंबर ऑफ है, लार्ज नंबर ऑफ है, इनके बाद हमेशा जान लीजिएगा आप कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जैसे कैटल क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है। उसी प्रकार से शिप्स क्या है, ये भी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए आर लगा हुआ है। बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। किंतु यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इसको देख लेंगे, द नंबर ऑफ, क्योंकि ऊपर की जितने भी वो फ्रेज थे, लार्ज नंबर ऑफ था, चाहे ए नंबर ऑफ था, वो सारे के सारे फ्रेज या लार्ज नंबर ऑफ था, ये सारे के सारे जो फ्रेज हैं वो बहुत का सेंस देते हैं, मेनी का सेंस देते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ क्या करता है, ये संख्या को बताता है ना, द नंबर ऑफ बॉयज मैंने लड़कों की संख्या, तो संख्या को बताता है ना, नंबर को बताता है, इसलिए यहाँ पर ये इसके बाद तो प्लूरल नाउन लगेगा लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 80, मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 80 है। द नंबर ऑफ विजिटर्स इज इंक्रीजिंग, तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब सिंगुलर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। बार बार इस वीडियो को पीछे ले जाकर देखेंगे, अगर कोई समस्या होती है तो पूछेंगे भी मुझे, और अगर लगता है कि ये रूल्स आपको लिख लेना चाहिए तो कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ये हमेशा काम करेगा। आपको केवल 12 में ही काम नहीं करने वाला है, ये कॉम्पिटेटिव लेवल पर भी काम करेगा, और ये कहें कि कॉम्पिटेटिव लेवल तक ही नहीं बल्कि आप जब इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर एक जो इलाइट क्लास का इंग्लिश बोलने के लिए, इलाइट क्लास की इंग्लिश बोलने के लिए, कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने के लिए भी इन चीज़ों की आवश्यकता होंगी। अगर आप बेहतर बोलेंगे, बोलने वाले तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन एक जो बेहतर बोलता है उसका एक सम्मान जो होता है, उसका जो स्टेटस होता है सोसाइटी में, वो अलग होता है, इसको आप जानते होंगे। तो ये वहाँ भी आपको मदद करने वाला है, ये ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश कि इसका उपयोग हर जगह है, हर जगह आज के दौर में इसका उपयोग हर जगह है, आप इसको देख सकते हैं कि है कि नहीं। आगे है मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी। अब देखिए मेनी जो है ना, ये मेनी जो दिया हुआ है वर्ड, ये अपने आप में प्लूरल है, जब प्लूरल है तो इसके साथ आने वाले वर्ब भी क्या होंगे, प्लूरल होंगे, इसलिए इनके साथ प्लूरल लगता है ना। देखिए यहाँ भी यही चीज दिया हुआ है कि मेनी, ए ग्रेट मेनी और गुड मेनी के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसा कि ऊपर भी दिया गया है। लेकिन ऊपर ये है कि अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट रूप में होता है तब, और नीचे ये है कि इनके बाद कोई नाउन आता है तब, तो नाउन आएगा तो प्लूरल हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल खुद है, और तब प्लूरल वर्ब लगना ही है, स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं, मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। देखिए वहां पर नाउन की बात की गई थी केवल, सबसे ऊपर वाले पार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा फिर से, देख लीजिए कि सबसे जो ऊपर वाला जो ये पार्ट था यहाँ पर 19 नंबर देखिएगा रूल, इसमें कि एक मेनी, ए ग्रेट मेनी और ए गुड मेनी, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करें तो वर्ब प्लूरल होता है। दूसरे में यानी 20 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि मेनी, ए मेनी, गुड मेनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा। और तीसरे में सेम चीज़ है कि मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ और ए गुड मेनी ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, नाउन की बात ऊपर कर ही दी गई है, लेकिन अगर प्रोनाउन आता है तो वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिएगा कि अगर प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब तो प्लूरल लगेगा ही क्योंकि खुद मेनी जो है वो प्लूरल को डिनोट करता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यू जो है, यहाँ पर यू तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक होता है, लेकिन यहाँ देखिए अस और वी होता है नॉमिनेटिव और अस ऑब्जेक्टिव होता है। तो ए गुड मेनी के बाद ऑफ आया है, ऑफ के बाद यहाँ अस आया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में होना है, और वैल्यू जो है V1 है क्योंकि ये जो है मेनी प्लूरल है, तो इसके अनुसार यहाँ प्लूरल V1 ही होता है, प्लूरल वर्ब
यहाँ लगेगा, यहाँ हैव प्लूरल है, यहाँ वर्ब प्लूरल है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मेनी ए और एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ए एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना स्वाभाविक है और सिंगुलर वर्ब आना भी स्वाभाविक है। जैसे मेनी ए कार, अब यहाँ पर हैज हो जाएगा सिंगुलर, मेनी एन इंपोर्ट हैज हो जाएगा, है ना। आगे है भाई 23 नंबर क्वेश्चन, बोथ बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग यदि वाक्य के सब्जेक्ट रूप में हो तो इसके लिए वर्ब प्लूरल होता है। अगर बोथ है, सेवरल है, वेरियस है, इनका प्रयोग अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट रूप में आप करते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास एंड बोथ आर ब्यूटीफुल, क्योंकि बोथ का प्रयोग यहाँ एज ए सब्जेक्ट हुआ है, यहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा। आगे देखते हैं, बोथ सेवरल वेरियस के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और बोथ सेवरल और वेरियस के बाद ये अगर काम करते हैं डिटरमाइनर का, तो इनके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब इनके बाद प्लूरल आएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, चिल्ड्रन के बाद आर लगा हुआ है, बोथ के बाद चिल्ड्रन, बोथ द चिल्ड्रन, सेवरल इशूज है यहाँ पर, हैव हो जाएगा, यहाँ पर वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ भी आर हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल लगता है। आगे देखते हैं, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नाउन की बात तो ऊपर ही हो गई थी, खैर यहाँ भी दे दिया था, देख लीजिए, लेकिन इनके बाद प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है। और प्रोनाउन सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ आप नॉमिनेटिव केस मत लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ के बाद लगता क्या है, तो प्लूरल प्रोनाउन लगता है, प्लूरल नाउन लगता है, और अकेले होंगे ये प्रयुक्त तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर अकेले नहीं होंगे, नाउन के साथ होंगे तो प्लूरल नाउन लगेगा, प्रोनाउन के साथ होंगे तो प्लूरल प्रोनाउन लगेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में।